Hi everyone, here is a simple but tricky question from profit loss, and these are the kind of questions that are being asked in CAT exam nowadays. But they don't ask you straight questions which can be solved just by formula. They'll always introduce some twist and turn. So this is what I've tried to do while creating this question. So let's look at the question. The ratio of cost price to printed price of an article is 2:5. The ratio of profit percentage to discount percentage is 3:2. Now, which of the following is true? और आपको चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं जिसमें प्रॉफिट परसेंटेज का रेंज दिया है. तो आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो. मैं ऐसे क्वेश्चंस रेगुलरली कम्युनिटी पोस्ट पे डालता रहूंगा, तो ये चैनल का कम्युनिटी पोस्ट हर रोज देखना, आपको कुछ ना कुछ अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे क्वांट के. और आने वाले दिनों में LRDI की भी मैं रिलीज करूंगा. तो अभी हम इसका सोल्यूशन समझते हैं कि क्या करेंगे. उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक चीज़ें प्रॉफिट लॉस की पता है कि भाई मार्क प्राइस क्या होती है या प्रिंटेड प्राइस क्या होती है. फिर उसके ऊपर हम डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस मिलती है. फिर हमारी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट या लॉस बन जाता है. एंड देन वी कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, राइट. सो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रिंटेड प्राइस दैट इज मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस जो है उसमें रेशियो आपका 2:5 है. तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरी कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज़ की है, तो मेरी मार्क प्राइस क्या हो जाएगी, 50 रुपीज़ की आ जाएगी. अब इसके ऊपर मैं कुछ डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है. डिस्काउंट देने के बाद मुझे क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगी. और फिर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को देख के मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ. अब हमें यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि ये जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, द रेशियो ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज टू डिस्काउंट परसेंटेज इज 3:2. मतलब अगर मेरा 30% का मैं प्रॉफिट लेता हूँ तो मेरा डिस्काउंट 20% का होगा. अगर मैं 60% का प्रॉफिट लेता हूँ तो मेरा डिस्काउंट 40% का होगा. एंड सो ऑन सो फोर्थ. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं 45% का प्रॉफिट लेता हूँ तो डिस्काउंट मेरा 30% आ जाएगा. अल्टीमेटली प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट आपका 3:2 में रखना है. चैलेंज यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 30% एंड 20% लेके चेक करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं 50 रुपये की मार्क प्राइस पे अगर 20% डिस्काउंट ऑफर करता हूँ तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 40 रुपीज़ आ जाएगी. और अगर मैं कॉस्ट प्राइस 20 है और उसके ऊपर 30% प्रॉफिट जोड़ता हूँ तो मेरी सेलिंग प्राइस 40 नहीं आएगी, वो कितनी आएगी, 26 आएगी. मतलब हमें थोड़ा और ज़्यादा डिस्काउंट देने की ज़रूरत है और हमें थोड़ा और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आया, 40, जबकि आपकी कॉस्ट प्राइस से जो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करें वो 26 ही आ रही है. मतलब देयर इज़ अ गैप. तो हमें एक्चुअल सेलिंग प्राइस को थोड़ा और नीचे लाना है ताकि यहाँ से वो ऊपर आ पाए, राइट. तो मैं 40 एंड 60 ट्राई करके देखता हूँ कि अगर हमारी मार्क प्राइस 50 है उसके ऊपर 40% डिस्काउंट देंगे तो 50 का 40% होता है 20, तो आपका 30 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस आ जाएगा. लेकिन अगर 20 रुपये की कॉस्ट पे अगर मैं 60% प्रॉफिट जोड़ूंगा, अब 20 का 60% होता है 12, तो यहाँ पे 32 आ जाना चाहिए. तो कहने से ये इंक्रीज हो गया, तो ये नहीं चलेगा. मतलब हमें समझ में आ रहा है कि 60% से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऑप्शन एक दिया है 60% से कम एंड 50% से ज़्यादा, दूसरा दिया है 50% से कम, 40% से ज़्यादा एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट. तो मैं यहाँ पे एक बार 50% लेके ट्राई करता हूँ. अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर मेरा प्रॉफिट 50% है, हमें 3:2 में रखना है, तो 3 की जगह पे अगर मैं 50 रखता हूँ तो क्या आप मुझे बता सकते हो 2 की जगह पे क्या आएगा? तो ये आपको तुरंत समझ में आना चाहिए, 33.33 आ जाएगा, ठीक है. 50 को अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो एक पार्ट आएगा 16.66, दो पार्ट्स मिलके बनेंगे 33.33 एंड तीन पार्ट्स बन के आपके 50 हो जाएंगे, राइट. तो यहाँ पे अगर मैं 50% लेता तो मेरा डिस्काउंट आ जाएगा 33.33%. 50 रुपये पे अगर मैं 33.33% का डिस्काउंट दूंगा तो प्राइस क्या आ जाएगी, डिस्काउंटेड प्राइस 33.33 ही आ जाएगी. क्यों, 33.33% ऑफ 50 16.66, 50 में से वो हटाओगे तो वो 33.33 आ जाएगा. जबकि 20 रुपये पे अगर आप 50% प्रॉफिट जोड़ोगे तो वो 30 आएगा. मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करने की ज़रूरत है, यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज करने की ज़रूरत है. और 60% चले जाते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है. मतलब हमारा प्रॉफिट परसेंटेज जो है ना ये डील में, वो 50% से ऊपर कुछ आएगा, 52-54% ऐसा कुछ आएगा, ठीक है. सो इट विल बी मोर देन 50% बट लेस देन 60%. तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है. एग्जाम में अगर देखो ये क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे प्रॉफिट परसेंटेज के वैल्यू दिए होते आप ऑप्शन से ट्राई कर देते, राइट. और इसीलिए कैट एग्जाम में जब वो ऑप्शन डिजाइन करते काफ़ी सोच समझ के डिजाइन करते, आपको ऐसे क्वेश्चन में रेंज दे देंगे ताकि आपको थोड़ा सा और समय वहाँ पे स्पेंड करना पड़े. लेकिन अगर आपके कैलकुलेशन अच्छे हैं डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हो. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों,
अगर आप ऐसे और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आप मेरा प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हो। आज से मेरा एक नया प्लस दैट सब्सक्रिप्शन बैच शुरू हो रहा है, तो आप अनअकैडमी का प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, आप ये बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसमें मैं आपको ऐसे ही काफ़ी सारे और क्वेश्चंस करवाता हूँ जिससे आपकी कैट की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। और अनअकैडमी का एक अभी ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, सो यू कैन यूज़ माई कोड SHARTECH एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड यू कैन गो फॉर दिस। इसके अलावा मैं काफ़ी सारे फ्री सेशन कंडक्ट करता हूँ, जैसे ये एक फ्री वीडियो था और वैसे ही मेरा एक LRDA का फ्री सीरीज चल रहा है। तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आप शाम को 5 बजे ये सेशंस को अटेंड कर सकते हो, यूट्यूब चैनल पे ये होते हैं। और उसके सारे सेशन जो मेरे फ्री सेशंस आते हैं उसकी लिंक मैं ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ। सो आप सब लोग ये टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना ताकि आपको मेरे सारे सेशंस के अपडेट मिलते रहे। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा एंड मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ एक ऐसा क्वेश्चन आपके लिए पोस्ट कर पाऊँ। शायद 7 दिन पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हफ्ते में 4 से 5 दिन मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूंगा। आपको पता रहेगा कि क्या टॉपिक पे आ रहा है, तो आप उसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रखूँगा, मैं ऐसे क्वेश्चन रखूँगा जो आप कैट एग्जाम में एक्चुअली सॉल्व करते हो, जिसको हम मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी कहते हैं, या फिर काफ़ी बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन थोड़े से ट्रिकी होते हैं कि उसको सीधा इंटरप्रेट करना आसान नहीं होता। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो वही मैं कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। दैट्स इट गाइस, सी यू इन द अदर वीडियो।